10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत के पहले दिन शुक्रवार को घरों और मंदिरों में विघ्न विनाशक श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई और भक्ति भाव से उनकी आराधना की जा रही है। घरों और मंदिरों के बाहर हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज सुनाई दे रही थी। कोरोना के कारण सार्वजनिक जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। श्रद्धालुओं ने घरों और दुकानों में 4 फीट तक की छोटी मूर्तियां स्थापित की हैं। महानगर के घसीकटरा, पांडेहाता, कच्ची बाग व धर्मशाला सहित अन्य जगहों पर भगवान गणेश की छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। पांडेहाता में श्री सिद्धि विनायक पूजा समिति द्वारा गणेश महोत्सव को लेकर भगवान गणेश की भव्य मूर्ति स्थापित किया जाता था, लेकिन वैश्विक महामारी ने पूजा पाठ का भी स्वरूप बदल दिया है और यही वजह है कि पांडेहाता चौराहे पर स्थापित होने वाले गणेश जी के आकार में परिवर्तन कर समिति की ओर से घर के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री सिद्धि विनायक पूजा समिति के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने कहा। मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष सिद्धि विनायक समिति पांडेहाता। गणेश जी हमारे बैठ रहे हैं कम से कम 12-14 साल से। छोटे गणेश जी बैठाए हैं, अपने घर के अंदर बैठाए हैं। और हमारे गणेश जी जो है 3 साल के पहले जो बैठते थे भव्य बैठते थे, वो रूढ़ बैठते थे और पूरा भव्य मूर्ति भंडारा बनता था, सब कुछ बैठता था। इस साल जो है तो हमारे गणेश जी थोड़ा सा छोटे बैठ रहे हैं और छोटे बैठा कर घर के अंदर बैठा रहा। हाँ, कोरोना की वजह से कितना रौनक आप रौनक तो भैया है भाई, पांडेहाता की मूर्ति की भव्यता तो है, पांडेहाता की मूर्ति की भव्यता तो है। पांडेहाता की मूर्ति की जो रौनक थी अब वो खत्म हो गया। अब ये है कि घर में बैठा करके पूजा पाठ कर रहा है।